अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करासत। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और कमर जमान कायरा, जफर अली शाह और मुराद सईद तीन बड़े सीनियर नाम हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीटीआई के। और तीनों से मैंने एक सवाल करना है। मेरे पास एक तस्वीर है फैसलाबाद में एक परेशान खातून की, जिन्होंने गोलियां खा के खुदकुशी कर ली है और उनके ऊपर ये था कि 60,000 रुपये का झूठा बिल जो है वो उस गरीब औरत के ऊपर ये बिजली का डाल दिया गया। आबिद शेर अली साहब का ये हल्का है और वो बिपता करती रही, हर एक का दरवाज़ा जाके खटखटाती रही। मुझे पता चला कि वो जब वज़ीर मुमलिकत के पास गई तो गार्ड्स ने उसको धक्के दे दिए वहाँ से, उसके बाद उसने दिल बर्दाश्ता होके खुदकुशी कर ली। सवाल ये पैदा होता है कमर जमान कायरा साहब के, 50 लाख रुपया पाकिस्तानी कौम नवाज शरीफ पर रोज़ाना खर्च करती, 31 लाख रुपया पाकिस्तानी कौम ममनून हुसैन पर रोज़ खर्च करती है, इस औरत पे झूठा बिल डाल के इसको खुदकुशी के लिए मजबूर कर देती हैं। माजरत के साथ आपको मेरी बात बुरी लगेगी, लानत ऐसी जमहूरियत। देखिए मुबशर साहब, उसमें जमहूरियत का कोई कसूर नहीं है। अगर आपके इदारे प्रॉपर काम नहीं कर रहे तो ये आमरियत के दौर में भी काम नहीं करते, बल्कि जमहूरियत का समर यह है कि आज आप खुल के जमहूरियत पे भी तनकीद कर सकते हैं, हुक्मरानों पे भी कर सकते हैं, वजीरों पे भी कर सकते हैं, वजीर आजम को भी अकाउंटेबल ठहराया हुआ है। ये जमहूरियत के समरात हैं, ग्रेजुअली आएंगे। लेकिन आप जो बड़ा काम कर रहे हैं वो बेसिकली पब्लिक ओपिनियन का है। पहले मुझे इस खातून के बारे में कहना, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे रेवेन्यू सोर्सेज जो होते हैं उनका ये तरीकाकार है, वापडा का ख़ास तौर पर यह तरीकाकार है कि वो जैली बिल बना देते किसी का। अगर फ़र्ज़ करें जेनवनली भी अगर किसी का मीटर ख़राब हो गया है तो उसको बैक डेट से एवरेज डाल के, और ये हम रोज़ फेस करना पड़ता है, लोगों के रोज़ केस आते हैं। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि अगर वजीर के अपने हल्के की खातून है और उसके साथ ज़्यादती हुई है और रेक्टिफाई नहीं हुई, गलतियाँ हो सकती हैं बाज़ोका। तो ये रेवेन्यू अपना दिखाने के लिए महकमे खास तौर पर जून में, क्योंकि गवर्नमेंट का डंडा आया होता है, रिकवरियाँ शो करनी होती हैं, फेक बिल डाल के कहते हैं अच्छा बाद में एडजस्ट कर देंगे। सो वो अपनी रिकवरीज के हवाले से किया गया है, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। और ये एक खातून नहीं है, ये हर महीने पाकिस्तान के हज़ारों उन लोगों के साथ होता है जो जेन्युइनली बिल देते हैं, जो नहीं देते उनकी सूरत हाल और है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जमहूरियत के सम्राट तब आते हैं जो काम आप लड़ाई लड़ रहे हैं ना, जो कौम को एजुकेट करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, रोज़ बैठ के ये बातें करते हैं और कौम को भी गुस्सा दिलाते हैं, होश दिलाते हैं। बशर साहब, दुनिया में कोई ऐसी जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत तरीकाकार यही होता है कि लोग अपने नुमाइंदों के जरिए आइन बना के एक असलूब, एक कानून, एक जाब्ता बनाते हैं कि इसके तहत मुल्क चलाना है और फिर सभी को उस जाब्ते के तहत रहने पर मजबूर भी करते हैं। ये नहीं होता कि खाली अदालतें या फौज या कोई और इदारा वो निज़ाम को जरूर दुरुस्त चला लेगा। उस निज़ाम में अगर कोई भी इदारा, कितना बड़ा कोई तुर्रम खान हो, कितना बड़ा कोई ताकतवर शख्स हो, अगर वो अपने जाब्ते से बाहर निकलता है या अपना कानूनी फरीजा अदा नहीं करता, दोनों सूरतों में अवाम खड़े हो जाते हैं। मैं क्या गैर मुल्की हूँ, मैं क्या फॉरेन नेशनल हूँ, पाकिस्तान, मैं क्या टैक्स पेयर नहीं हूँ इस मुल्क का। मेरे दफ्तर के बाहर कई दफ़ा IB के अहलकार होते हैं जिनसे मेरी बात भी हो चुकी है, मेरे फ़ोन टैप होते हैं, ये वो। मैंने कौन से न्यूक्लियर राज चोरी की हैं या मैं कौन सा रॉ का एजेंट हूँ जो मेरे साथ ये हो रहा है? थोड़े बड़ा आपसे बड़ा एजेंट कौन होगा? आप इतने बड़े एजेंट हैं, आप हुकूमत को रोज़ उनके कपड़े उतारते हैं, रोज़ उनकी गलाजतें सामने लाते हैं कौम के, और ये जरूरत के साथ आपसे इख्तलाफ हो सकता है, हो सकता है आपके नुक्ता नज़र से मुझे इख्तलाफ हो सकता है आपकी रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर दुरुस्त ना हो, लेकिन आप साथ ये भी कहते हैं कि भाई ये मेरी रिपोर्ट है, अगर इसको कंट्राडिक्ट करना हो तो आगे कर लो, बिल्कुल मैं अपना फोरम उसको अलाउ करता हूँ। तो आप जैसा सच जो होता है, ये तो पैगंबरों के दौर में भी सारा सच लोग नहीं सुना करते थे, मुश्किल हो जाता था, आज तो बड़ा ही बुरा दौर है। जफर अली शाह साहब, इस औरत का क्या बनेगा जिसने फैसलाबाद में एक जाली बिल की वजह से खुदकुशी कर ली? आप हुकूमत में भी हैं, हुक्मरानों के साथ भी हैं, ये अब प्रोग्राम होगा, कल ख़त्म हो जाएगा, कल हम इसका जिक्र नहीं करेंगे, कल हमारे पास कोई और इशू आ जाएगा, लेकिन इसके बच्चे यतीम ही रहेंगे कल भी, परसों भी, अगले दिन भी। मुबशर साहब, अफसोस है, बहरहाल अल्लाह ताला उसकी मग़फ़रत करे, उसने खुदकशी कर ली, अगले जहाँ चली गई जहाँ पर सब ने जाना है। यहाँ पर बेशुमार लोग हैं जो रोज़ाना खुदकशियाँ करते हैं, बेशुमार लोग जो हैं वो ज़िंदा हैं लेकिन वो आपको लाशें नज़र आती हैं, सिर्फ मरते नहीं हैं, रूह उनके अंदर होती है, लेकिन वो भी इसी तरह जिस तरह ये तो माई बेचारी चली गई,
लेकिन बेशुमार लोग, एक नहीं, और आप बिजली के बिल की बात कर रहे हैं, कैरा साहब ने ठीक कहा, बिलों की तो ये भरमार होती है। आप मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान के हर घर और हर गरीब घर में जिसके ये बिल नहीं दे सकी, आप क्या समझते हैं कि इसके घर कोई टीवी भी होगा? लेकिन टीवी वाली फीस भी इन्हीं बिलों में जाती है, और जिसने रखा हुआ है टीवी नहीं तो वो भी, और जिसने नहीं रखा हुआ वो भी बिल अदा करती है, और फिर वो भी उस बिल में उसमें चला जाता है। जो लोग बिल अदा नहीं करते उनकी तकसीम होकर बिल कुछ आपके बिल में, कुछ मेरे बिल में, और कुछ तमाम उन लोगों के बिलों में चले जाते हैं जो बिल अदा करते हैं। मतलब आप किस किस जुल्म की बात करेंगे? ये तो एक दास्तान है, एक तो लंबी कहानियां हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आज ये मौजू है, कल और मौजू होगा, कल कोई और खुदकशी वाला किसी और अंदाज से आएगा बार के एक माँ ने चार बच्चों समेत खुदकशी कर ली क्योंकि उसके पास बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। तो ये तो अपना मुबशर साहब, इस कदर बेरहम माशरा हो चुका है, इस कदर बेरहम क्यातें हो चुकी हैं, इस तरह बेरहम निज़ाम हो चुका है कि अब तो ये चीखें जो है वो निकल रही हैं हर घर से, हर शरीफ घर से। तो ये जो बदमाशिया निज़ाम है तो इसको तो अब टकराना पड़ेगा इससे। ये तो किसी इनकलाब का इंतज़ार कर रहा है ये निज़ाम, वरना ये तो खा जाएगा। एक माई की बात करते हैं आप, कई माइयों को और कई बापों को और बच्चों को ये खा जाएगा, और खा जाता है रोज़। ये तो वो चंद एक खबरें हैं जो सामने आ जाती हैं, कोई आप जैसे एंकर जो हैं सामने ले आते हैं, बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जो कि लोगों तक, हम तक, आप तक पहुँच ही नहीं सकते। तो ये तो बहरहाल एक बहुत काबिल अफसोस और काबिल शर्म उन लोगों के लिए जो कि रात को जिनके घर सुबह तक चिरागाह ही चिरागाह होता है, वहाँ जहाँ पर फजूल बिजली भी जो है वो जल रही है। तो आप अगर इनके, आपने ठीक कहा कि फलां घर का इतना खर्चा है, फलां घर का इतना खर्चा है, लेकिन यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि किसके साथ क्या ज्यादती हो रही है। ये तो अब जब से ये मीडिया कुछ आया है तो कोई इक्का दुक्का कहीं आगे 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 पीछे कोई आवाज़ उसकी आ जाती है और उसकी रेमेडी भी हो जाती है कोई, या मुहैया हजरात कर देते हैं, या कोई गवर्नमेंट को सोच आ जाती है वो भी उन लोगों का कुछ मुदावा कर देती है। वरना तो मुबशर साहब बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, इसमें कोई शक नहीं। हुकूमत का आपने जिक्र किया, हुकूमत तो हमेशा अल्लाह की होती है, बंदे की क्या हुकूमत होती है? बंदा तो नायब है, हुकूमत करने वाला अल्लाह का नायब है। ठीक है कि अगर उसको ये पता हो कि मैं हुकूमत करते वक्त किस ताकत का नायब हूँ। लेकिन मुराद सईद साहब आगे चर्बी है आप, थैंक यू मुराद सईद साहब, आपको मैं बिल्कुल वसूख से एक बात बता रहा हूँ, और क्योंकि आप MNA हैं तो आपके ऊपर भी शर्म का मकाम है, क्योंकि आप उस असेंबली का हिस्सा हैं, उस कानून साज जगह का हिस्सा है। बड़ी माजर के साथ कायरा साहब नाराज़ होंगे मेरी बात पे कि पाकिस्तान में पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा फरोख पाने वाला जो शोबा है वो इस्मत फरोशी का है, और एक बहुत बड़ी तादाद जो है नौजवान बच्चियों की वो मजबूरी और लाचारी में इस्मत फरोशी के बाज़ार में आ गई हैं क्योंकि उनसे बिजली का बिल भी नहीं दिया जा सक रहा। ये हम अपने मुल्क को किस सिस्टम के सम्राट से नवाज रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशिर साहब, अभी आपने जो फैसलाबाद के वाकये का जिक्र किया अफसोसनाक है, और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, पिछले साल पार्लियामेंट में मैंने इसके हवाले से बात की थी, आबिद शिराली के हलके में एक खातून ने पिछले साल भी खुदकुशी की थी, इसके ऊपर मैं पार्लियामेंट में बोल चुका हूं, लेकिन बेशरम लोग हैं, इनको शर्म ही नहीं आई। और वो वाकया जरा मैं आपकी नाजरीन को बताना चलूं, उसमें हुआ ये था कि एक खातून के घर जो अपने बच्चों के साथ, उनके घर बिजली का बिल जो है वो नामुनासिब और गलत जाली बिल उनको थमाया गया। जब वो खातून वापडा के एहलकारों के पास पहुंची तो उनको कहा गया कि आप 35,000 रुपये की, 25,000 रुपये की रिश्वत दीजिए तो आपका बिल हम कम कर देंगे। फिर उसके बाद उस खातून ने कहा कि मेरे पास रिश्वत देने के पैसे कहाँ, मैं तो बिल पे नहीं कर सकती, मैं तो अपने बच्चों को खिला पिला नहीं सकती, 2 वक्त का खाना नहीं दे सकती। तो वो खातून आके खुदकुशी कर लेती है, और इसके ऊपर ऑन रिकॉर्ड है कि पार्लियामेंट में सिर्फ मैं ही बोला हूं, मैंने आबिद शिराली को और ख्वाजा आसिफ को, क्योंकि आबिद शिराली के तो हल्के की बात थी,
वो तो वजीर है, कम से कम उसके हाथ में तो ये था, लेकिन बेशरम है। और अगर उस वक्त इसके ऊपर नोटिस दिया जाता तो आज हम एक और कहानी और एक और किरदार और एक और खुदकुशी का जिक्र ना करते। लेकिन मुबशिर साहब आपने एक और बात की, देखिए इंसान के हाथ में क्या होता है, कोशिश होती है। आपने अगर मेरे हवाले से सवाल किया तो मैं आपको चंद चीजें भेजू बता दूं। अभी इन्होंने पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह जो है उसमें 100 गुना इजाफा कर दिया। उसके ऊपर मेरी करारदाद मौजूद है कि आप कम से कम मजदूर की तनख्वाह पार्लियामेंटेरियन की बराबर कर दो। आप पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह क्यों बढ़ा रहे हो? इसके ऊपर मेरी करारदाद भी है, मेरा बिल भी है, मैं बोल भी चुका हूं, अपनी कोशिश कर चुके हैं। उसके साथ साथ आपने जमहूरियत और बादशाहत की बात की, मुबशिर साहब जरा ये गौर की, ये जमहूरियत नहीं है, बादशाहत है। बादशाहत में इस तरह होता है, 91 करोड़ जो है वो वज़ीर आज़म हाउस का खर्चा है। ये वही वज़ीर आज़म है जिसने गिलानी के दौर में 45 करोड़ रुपए वज़ीर आज़म हाउस का खर्चा था और उसके ऊपर कहते थे कि अयाशी नहीं करेंगे हम, वज़ीर आज़म हाउस का बजट कम करेंगे। 91 करोड़ तक लेके गए, 20 करोड़ पहले साल अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियां लाके, क्योंकि बादशाह मुगल आजम को बड़ा खतरा है, वो अवाम से वोट लेके हो, उन अवाम से आप डरते हो। 20 करोड़ रुपए की इसने बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी, 24 लाख के कुत्ते जो है इसने अपनी सिक्योरिटी किले लगा दिए, 7 करोड़ जो है इन्होंने सिप और सिप रायवन की दीवारें को ऊंची करने के लिए अवाम के टैक्स का पैसा लगा दिया, 32 अरब के इन्होंने झूठे इश्तहारात दे दिए जिसमें इस खातून जो है ये भी पूछेगी जिसने खुदकुशी की है कि 32 अरब के इश्तहारात दे के आप कहते हो कि बिजली का बहरान खत्म हो गया, अंधेरे मिट गए, पाकिस्तान रोशन हो गया। और बेशर्मी देखिए मुबशिर साहब कि ये बिजली के बिल इन्होंने पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ के दौर से भी 500 गुना ज्यादा बढ़ा दिए। उसमें पीटीवी के भी, अगर किसी के घर में पीटीवी है या नहीं है, मस्जिद का बिल अगर आप उठा के देख लीजिए वो भी पीटीवी के लिए पैसा देता है, लेकिन इसके बावजूद आपका पीटीवी भी 1.5 अरब के खसारे में जा रहा है। क्यों? क्योंकि अवाम जो है यहाँ पे अपनी मर्जी के लोग लगा रहते हैं, अपने लिए ऊपर खर्चे करते हैं, अपनी चीजें करते हैं, किसी की परवाह है। मैं आता हूं इस पे, अब एक प्रॉब्लम है। देखिए मुबशिर साहब कि इन्होंने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, मरियम नवाज शहजादी साहिबा, वजीर आजम ख्वाजा आसिफ और अभी शीर अली को मुबारकबाद दे रहा है कि मुबारक हो 19,000 मेगावाट तक जो हमारी प्रोडक्शन है वो पहुंच गई। ओ बेशर्मो, आज भी घंटों लूटशेडिंग होती है। ओ बेशर्मो, आज तो हमारे देहातों में बिजली के बहरान में इजाफा हो चुका है, बिजली के बिल आपने बढ़ा दिए, किसी के घर का पंखा चलता नहीं है। आते हैं इस पे, मुबारकबाद दे रहे हैं। मैं इस पे आता हूं, असल में एक प्रॉब्लम है। कायरा साहब को पता है क्योंकि ये उस जमाने में मुझे जानते थे, मैं तो ओपनली मुशर्रफ के साथ था। जब आप लोग इफ्तिखार चौधरी के लिए सड़कों पर थे तो मैं आपको कहता था कि गलत कर रही है, लेकिन खैर मैंने ये देखा कि मुशर्रफ जो है उसके पास पार्लियामेंट भी है, सेनेट भी है, लोकल बॉडीज भी है, फौज भी है, आईबी भी है, एफआईए भी है, मॉरल अथॉरिटी नहीं है। और जब वो मॉरल अथॉरिटी लोगों ने ले ली तो मुशर्रफ जैसा ताकतवर जो है उसको इस्तीफा देके वापस जाना पड़ा और उन्हीं अदालतों के गिर्द भी आना पड़ा बार बार। आज मैं देख रहा हूँ मियाँ नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ की तरह हर किस्म की अथॉरिटी है उनके पास, मॉरल अथॉरिटी नहीं है। ये कब तक जाएंगे? कमाल का एनालिसिस है, ठीक बात है। देखिए मुबशिर साहब, जो डिक्टेटर होते हैं ना वो ड्राइव अपनी ताकत पार्लियामेंट से नहीं करते, आवाम से नहीं करते, वो उनका अपना इंस्टीट्यूशन पीछे खड़ा होता है, ताकत उनकी वहाँ से होती है। सियासतदान की ताकत मिलिट्री डिक्टेटर से बड़ी होती है, इसलिए उसके पीछे आवाम खड़े होते हैं। आज अगर आवाम किसी हुक्मरान के बारे में ये खुल के तनकीद कर रहे हों और उसको रोज़ गालियाँ दे रहे हों बैठ के, और वो और उसके ख़िलाफ़ न सिर्फ ये कि अवाम उसके मुखालिफ राय दे रहे हैं, मैं PTI या पीपल्स पार्टी या बाकी जमातें तो खाम मियाँ साहब के ख़िलाफ़ जो फैसले जो दुहाई दे रही हैं जब एक अदालत आपके ख़िलाफ़ पार्शली एक हद तक, मतलब एक आधी अदालत आपके ख़िलाफ़ फैसला दे चुकी, वो क्या कहते हैं कि आधी रेत के अंदर हूँ मैं, आधी रेत के बाहर हूँ मैं, आधी रेत में गड़ी हुई हूँ, आधी मान चुकी हूँ उसके, आधी बात पे अड़ी हुई है, आधी बात रह गई है। अब इसके बावजूद भी हुक्मरान अगर अपने आप को विक्ट्रियाँ बनाएगा और वो अपनी मॉरल अथॉरिटी की बात करेगा तो लोग उसके साथ ज़रूर हैं। मुबशिर, मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की, ये जो हम सारी कहानी बता रहे हैं ये पाकिस्तान की नहीं, ये इस निज़ाम की कहानियाँ हैं। इस निज़ाम में बैलेंस नहीं है, इस निज़ाम में इंसाफ नहीं है। ये निज़ाम इस बुनियाद पर खड़ा है कि कुछ लोगों के पास, चंद लोगों के पास दौलत के पहाड़ इकट्ठे होंगे और अक्सरियत उनकी ग़ुलाम होगी, उनकी मौशी तौर पर मोहताज होगी और बहुत बड़ी तादाद एक्सट्रीम डिप्रेशन में होगी। दुनिया में जहाँ जहाँ ये यही सरमायादारी निज़ाम है उसकी यही कोड है। हाँ, प्रॉब्लम एक चीज़ छोटी सी, मैं प्रॉब्लम है इसमें, मुझे ये
तसल्ली दें कि मैं अगर कमर ज़मान कायरा को वोट देता हूँ, जो एक सफ़ेद पोश आदमी है, कुछ ज़्यादा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, कुछ नहीं बडेरा नहीं, सफ़ेद पोश आदमी है, वो ऐसे आदमी के सामने जिसने 14 बिलियन डॉलर चुराए हुए हैं और तमाम निज़ाम उसका अपना ज़ाती निज़ाम बन चुका है, खुद सुप्रीम कोर्ट के आगे IB वाले जाके एडमिट कर चुके हैं, तो आप मुझे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट को? आप मुझे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए मुबशिर, ये बात दुरुस्त कि इस मुल्क के अंदर लोग ना जब यहाँ तक निज़ाम आ जाता है तो ये इन्वेस्टमेंट हो जाती है, वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब सियासत में इन्वेस्टमेंट होती है और रिटर्न लिया जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है, ये सिर्फ इज्जत आबरू का काम नहीं कर रहे, ये कारोबार कर रहे हैं, यहाँ जितना पैसा लगाएगा। हमारे यहाँ बदकिस्मती ही ये हुई कि सियासत कारोबार बन गई, वरना ये तो पैगंबरों का पेशा है, अगर बंदा नेक नीति के साथ सियासत करता है तो अपने घर बार को, अपने बच्चों को, अपने आप को, हर चीज़ को दाव पे लगा के चल रहा होता है, आवाम की खिदमत करता है, तो ये तो सेल्फलेस होकर काम करने वाला काम है। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर सियासी जमातें कमज़ोर हुई, अफराद कमज़ोर हुए, रवैये आज देखें ना, हम कहते क्या मुबशिर मेरे सियासत ना करी, क्या मतलब है? हम सियासत को गाली दे रहे हैं ना, यही कह रहे हैं कि फ्रॉड है, मेरे साथ फ्रॉड ना करना, ये बात बड़ी सियासी है, इसको छोड़ दो यार, इस काम में सियासत नहीं करेंगे, ओ भाई क्या करोगे, खुद सियासतदान कहते हैं, तो जब सियासत गाली बन जाए, खुद हमारे जबान से गाली बन, कहते हैं ना कि हम सियासत नहीं करेंगे, ये फलां काम में सियासत नहीं करेंगे, ओ भाई मैं तो मस्जिदें जाके भी सियासत करा, मैं तो अल्लाह के घर जाके भी सियासत करता हूँ, इसलिए कि मैं सियासत को इबादत समझता हूँ। मुबशिर साहब ये बात दुरुस्त, एक बात याद रखिए, आप जितने मर्जी लेक्चर दे लीजिए, इस कौम की जितनी मर्जी जमातें जो खड़ी होकर बातें, जिस दिन तक इस कौम ने अपना राइट फैसला करने का इख्तियार नहीं इस्तेमाल करना, सही फैसले के लिए खड़ा नहीं होना, कुछ नहीं हो पाएगा। याद रखिए जिस दिन आइसलैंड के वजीर आजम के खिलाफ आई ना बात कि इसका नाम पनामा में आ गया है, उसी दिन हमारे वजीर आजम का भी आया था, उस वजीर आजम के खिलाफ भी केस दर्ज होना है, उसके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन होनी है, उसको हक होगा वो अदालत में जाए जाके अपने आप को डिफेंड करे, उसके खिलाफ फैसला हो तो अपील में जाएगा, फाइनल अपील हो सकता है 2 साल लगे, वहाँ सिस्टम जरा तेज है, 3 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन लोगों ने उसका इंतजार नहीं किया, उन्होंने कहा तुम्हारा नाम आ गया, डिक्लेयर नहीं किया हुआ, लीगली बाद में फैसला होता रहेगा, स्टेप डाउन, लोग खड़े हो गए, तो उसने भी तो कैरेक्टर दिखाया ना, नहीं सर पहले लोग खड़े हुए, ये कैरेक्टर कोई वल्डरल नहीं होता, और ये हमारे हुक्मरान बरेसगीर में तो होता ही रहा यार, हम किसके वारिस हैं, यहाँ तो बादशाहों को गर्दने उतार के उतारा जाता था, यहाँ के हुक्मरानों के खिलाफ भी यही रहा है, ये अपने असूल के तहत ना चलते हैं, ना उतारे जाते हैं, ना लाए जाते हैं, ना उतारे जाते हैं, आज कहते हैं बंदूकें तानी हुई हैं, आज कहते हैं पसे पर्दा पुतलियां ही लाए जाती, जब कल खुद पुतलियां बने हुए थे, उस वक्त क्या था? कमर ज़मान कायरा, ज़फ़र अली शाह सईद मेरे साथ ही हैं, एक ब्रेक के बाद, ठीक है भाई। इख्तलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूं इख्तलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 News HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में, पेश होती है बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया, यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम आवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की
का माली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं, तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है, लेकिन हम तलखी से नहीं मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायत खून चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं, वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है? जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया, कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे कमर जमान कायरा की, जफर अली शाह और मुराद सईद मेरे साथ ही हैं। जफर अली शाह साहब, बात यह है कि मॉरली तो आपकी हुकूमत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, अब मॉरल्स अगर समझे कोई तब की बात है,
लेकिन मॉरल्स को इतनी अहमियत दे रहे हैं कि हम फिर हुकूमती खर्चे पर पूरा ख़ानदान जो है वो उम्रा की सादत हासिल करने चला गया। मुझे नहीं पता अल्लाह ताला ऐसे उम्रे को किस दर्जे पर कबूल करेगा, ये तो उसकी मर्जी है, वो खाले के कायनात है। यह उलमा हक तो कहते हैं नहीं करेंगे, अदालत में छोड़ दिया, वही बताएगा। सही, सही, सही। दूसरी बात, वहां से वो लंदन जा रहे हैं, यानी पाकिस्तान में कोई मसला ही नहीं है, तीन तरफ आग लगी हुई है, हमारे बजट आना है, सब कुछ होना है, अजीब मसाइल हैं, खुद वो मुलजिम के तौर पे पेश हो रहे हैं जीआईटी के आगे, उनके अहले खाना भी, और वो है कि पाकिस्तान के खर्चों पर दौरे कर रहे हैं। मुबशर साहब, जहाँ तक मेरा इलम है, मुमकिन है वो बात गलत भी हो। मियां नवाज शरीफ साहब उम्रे पे जाते हैं और तकरीबन हर रमज़ान का आखिरी अशरा वो वहीं गुजारते हैं, और मेरी इतला, मैं दोबारा कहता हूँ, गलत हो सकती है मैं कोई इसकी, लेकिन जितनी मेरी इतला है कि वो जब भी ये इस उम्रे पे जाते हैं और इस आखिरी अशरे में वो अपने अखराज अपनी पॉकेट से खर्च करते हैं। चार्टर प्लेन शामिल होता है शाह साहब उसमें? अगर चार्टर प्लेन का किराया शामिल होता होगा तो, और वो जितने दिन खड़ा रहेगा वहां पे वो उस... नहीं, वो तो नहीं, और खड़ा भी, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे इतनी तफसीलात नहीं पता, इतना मास है इसके कि वो उम्र के अखराजात जो हैं, कहा जा रहा है कि इस वक्त वो एक अच्छी बात कमर्शियल फ्लाइट से गए हैं, लेकिन उनके साथ उनका स्टाफ तो जाता है, जो पूरा स्टाफ गया, फैमिली गई है पूरी। लेकिन अगर मेरी इतला या इन्फॉर्मेशन गलत है तो उसकी मैं माफी चाहता हूँ। और फिर ये कि स्टेट के खर्चे पे इस तरीके से इतने जुलूसों के उम्रे या हज जो है वो नहीं हुआ करते, इस पे उलमाए दीन का अपने उनके फतवे भी हैं और उनके ऐलानात भी हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई एक्सचेकर के खर्चे ना सिर्फ वो खुद करते हैं उम्रे बल्कि अपने मनपसंद सहाफियों को भी करवाते हैं, ये भी है, बहुत बड़ी तादाद होती है सहाफियों की भी, जाने आने वाली भी, उनको भी कराने में, तो ये सारी बात उसमें आ जाती है कि ये एक, मैं समझता हूँ कि जिसके जिस रियासत का अगर कोई बादशाह है या जिस रियासत का अगर कोई हुक्मरान है, उसके रियासत के अंदर अगर बेवा औरतें 4,000, 3,000, 5,000 बिल ना देने की वजह से खुदकशियाँ कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस हुक्मरान को ये कोई हक नहीं है कि वो कौमी खजाने से तो चले हक उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, बाहर जाके जो बैठ गए हैं इन हालात में, वो मैं आ रहा हूँ। दूसरी बात, ये मैं पहला पहलू आपका जो आपके सवाल में था, अब दूसरा पहलू जो है वो बिल्कुल आपका जो वजह है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री होता है उसको लम्हा बलम्हा अपने मुल्क के वाकयात, अपने मुल्क के हालात, अपने मुल्क के मसाइल, कौमी मसाइल, और जो इर्द गिर्द के, जो इस रीजन के जो मामलात और जो वाकयात हालात हैं अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क, जो जो फेस कर रहा है मुल्क को इन हालात में, मैं समझता हूँ कि हुक्मरान जो है वो अपने मुल्क के अंदर ही बैठते हैं, अपने दफ्तर में ही बैठते हैं, लम्हा बलम्हा उसकी खबर रखते हैं, अपने मुल्क के 20 करोड़ आवाम को थोड़े नहीं है, इसमें बेशुमार मसाइल हैं, बेशुमार अनगिनत मसाइल हैं, तो इन हालात में, लेकिन इसका की जो वजह जो मुझे समझ आती है वो भी दोबारा मैं कहूँगा कि गलत हो सकती है या सही हो सकती है, लेकिन वजह उसकी यही है कि जनाब वज़ीर आज़म साहब को उनके कुछ नादान दोस्तों ने आज वहाँ पर पहुँचा दिया है। आप कह रहे हैं कि वो मुल्क के अंदर नहीं है, बाहर हैं, इतना अरसा रहते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं, एक साल सवा साल से ज़्यादा हो गया है, सिर्फ एक ही इशू चल रहा है और वो पनामा 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 का है, मतलब उसमें कितने गिल्टी हैं वो, कितने नहीं हैं, ये तो और 10-15-20 दिन लगेंगे पता करने पे, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अगर मुल्की मसाइल से इंसान इस तरह आँखें बंद कर ले, कान बंद कर ले, तो वो इस तरह कौमें जो हैं वो डूब जाती हैं, कौमें तबाह बर्बाद हो जाती हैं, और फिर उनको बड़ा अरसा लगता है उठने के लिए और अपने मुल्क को बुलाने के लिए। लेकिन मेरी समझ के मुताबिक, जो मैं समझता हूँ कि गालिबन वज़ीर आज़म साहब की जो ग्रिप है, जो गिरफ्त जिसको कहते हैं कि कौमी मसाइल पर या अपनी हुकूमती मसाइल पर या हुकूमती ताकत पर या रिट कहते हैं जिसको दूसरे लफ्ज़ों में,
मैं समझता हूँ कि वो शायद कमजोर हो चुकी है। शाह साहब आपको ये लगता है? सबसे आप एक बड़े दयानतदार आदमी हैं, हालांकि आप मुस्लिम लीग नून से हैं, लेकिन बड़ा ओपनली आपको पूछ रहा हूँ कि आपके लीडर्स ने नहीं, कोई ये जरूरी नहीं है कि मुस्लिम लीग का हर आदमी जो है वो कोई बददयानत या बेईमान नहीं है। जरूरी बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उन लोगों की। और यानी बात यह है कि इस मुल्क में हर जमात में अच्छे लोग हैं और हर चैनल में बुरे लोग भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपको कोई शाइबा है, कोई शक है कि आपके लीडर ने चोरी नहीं की? मैं फिर वही, वो चूंकि मैं अदालती दुनिया को अपना कानून की दुनिया का आदमी हूँ और हमारी दुनिया में बेनिफिट ऑफ डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट बड़ा चलता है। डाउट किस चीज का? वो इस वक्त पार्लियामेंट के ऊपर खड़े होकर उन्होंने जो बात कही उससे वो मुकर गए अदालत में। जी मैं नहीं, नहीं मैं अर्ज करता हूँ ना, मेरी बात सुन ले। वो बेशुमार दफा वाकयात पे सियासतदान समरसॉल्ट मारते हैं, इधर कुछ कहते हैं सुबह को, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, ये होता रहता है। ये हमने बड़ा देखा है, हर जगह देखा, अपनी जमात में भी, दूसरी जमातों में भी। अब मसला ये है, मैं इसलिए मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि बड़ा थोड़ा फासला रह गया है। अब एक अपने मुल्क की सबसे बड़े काजियों की अदालत है जो हमारी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, वो बहुत जल्द अपने किसी नतीजे पे, दिस वे आर दैट वे, वो उस पर पहुंचने वाली है। तो उस अदालती फैसले के बाद मैं समझता हूं कि ना मेरे पास कोई बेनिफिट ऑफ डाउट रहेगा, ना राय क्या है इस तक के फैसला किस तरफ जा रहा है। शाह साहब, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं ना, तो आवाम को दोहरी खुशी का मौका देना। आपको क्या लगता है फैसला किस तरफ जा रहा है? मैं इससे पहले भी रिकॉर्ड पे हूँ, मैं कह चुका हूँ कि जनाब वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो ट्रबल में हैं, वो दलदल में हैं, वो टर्बुलेंस है बहुत सख्त, और इसको कैसे संभालेंगे कम अज़ कम मुझे समझ नहीं लगती। मैं अपनी नलायकी का एतराफ़ करता हूँ बतौर एक सियासी कारकुन के और बतौर एक वकील के, मुझे नहीं समझ लगती कि इस टर्बुलेंस से ये कैसे निकलेंगे। मुराद सईद साहब, मुझे ये बताएं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने झूठ बोला, जिसका बाद में अदालत में उनका जो बयान है वो एविडेंस के तौर पे है, तो आप या तहरीक इंसाफ जो हैं वो उन्होंने उसके खिलाफ रेफरेंस क्यों नहीं जमा कराया 62 और 63 के ऊपर? देखिए, एक तो जो पानामा लीक्स का जो जुडिशल कमीशन बना था वो भी 62-63 के ऊपर भी था और तहरीक इंसाफ ने ये प्ली ली थी। अब जो कायरा साहब बात करती थी कर रहे थे, मुबशिर साहब, मैं चंद चीज़ें उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए, आपने जो तकरीर की बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में तो दो जजेस ने जो फैसला सुना दिया है, तीन ने तो कहा कि मजीद तलाशी लो, दोनों तो इसको झूठा सादिक और अमीन नहीं है, मतलब झूठे हैं, करप्ट है, चोर है, लुटेरे हैं। फिर उसके बाद अगर आप नीचे मिसालें देख लीजिए पानामा जजमेंट में, तो उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने पार्लियामेंट की तकरीर का हवाला भी दिया है, फिर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बयान है और कौम सी खिताब है और जो बच्चों और इनके खानदान के बयानात में तजादात है उसका हवाला देते हुए नीचे सुप्रीम कोर्ट ने 9 ममालिक की मिसालें दी है, जिसमें चेक रिपब्लिक का, सिडनी के मिनिस्टर का, जापान के केस का, अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन का, और फिर पानामा तो हैरानी ये है। साथ के मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ साहब, जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए तो किसी मुल्क की मिसाल नहीं दी गई, एक भी हवाला नहीं दिया गया और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। देखिए मुबशिर साहब, अभी 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 जो ये केस जैसे जैसे बढ़ रहा है, कल आपने देखा कि आईबी ने एतराफ किया कि वो जीआईटी के जो नुमाइंदे हैं उनको किस तरह वो हरासा कर रहे हैं और उन्होंने तस्लीम भी कर लिया। देखिए, अल्लाह के हाथ देर है, अंधेर नहीं। आपने चंद दिन पहले शहबाज शरीफ की पेशी देखी, वो हाजिर हुआ, उसका तो ये ख्याल था कि जो जस्टिस बाकिर नजवी वो जो जीआईटी मॉडल टाउन की बनी थी उसको हम दफना देंगे, वही दिन था, उसी दिन उसकी पेशी थी यहाँ पे, जिस दिन उसने मॉडल टाउन 2 साल पहले उसी तारीख को, जिस दिन उसने 14 लोगों को उसके हुक्म पे शहीद किया गया था और 87 लोग जो थे वो जख्मी हो गए थे। आज आप देख रहे हो तहकीकात जिस तरह जा रही है, उनके पास कोई जवाब है नहीं, मनी ट्रेल है नहीं, चोरी तो इन्होंने की है, असल मनी ट्रेल तो इसाकदार का एफिडेविट है, असल मनी ट्रेल तो हुदैबिया पेपर मिल का केस है, असल मनी ट्रेल ये है कि इन्होंने पाकिस्तानी अवाम का पैसा लूटा और मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके गए। मुझे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान बदल रहा है और नवाज शरीफ जेल के अंदर होंगे इसके बाद इंशाल्लाह। मुराद सईद, जफर अली शाह और कमर ज़मान कायरा मेरे साथ ही, एक ब्रेक के बाद।
जैस कैश मोबाइल अकाउंट से बहुत आराम है। अपना या किसी और का मोबाइल लोड भी हो जाता है, कभी भी कहीं भी। साथ में 100 रुपए या जायद के जैस लोड पर मिले 1000 मिनट्स SMS और MBs भी बिल्कुल मुफ्त। अब तो जैस कैश ही चलेगा। जैस कैश ओरियंट डीसी इन्वर्टर अल्ट्रॉन क्लासिक 59,999 रुपए की नाकाबिले यकीन प्राइस में ओरियंट डीसी इन्वर्टर पर पाएं चांद रात तक लाइफ टाइम वारंटी ऑफर। गर्मी, रोजा, प्यास, हल, सेहरी में तरशी शरबत इलायची का इस्तेमाल, जिसमें शामिल खालिस इलायची करे प्यास की शिद्दत कम, तो फिर दही में मिलाएं या कहवा बासानी बनाएं। तरशी शरबत इलायची ओरियंट डीसी इन्वर्टर अल्ट्रॉन क्लासिक 59,999 रुपए की नाकाबिले यकीन प्राइस में ओरियंट डीसी इन्वर्टर पर पाएं चांद रात तक लाइफ टाइम वारंटी ऑफर। किनोर शेफ्स ने बनाया है नया किनोर क्रिस्पी फ्राइड चिकन मिक्स, जो घर के फ्राइड चिकन को बनाए रेस्टोरेंट जैसा क्रिस्पी और स्पाइसी। इख्तलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूं इख्तलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं, तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायत खून चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइफ।
देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं, वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गईं। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निजाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है? जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भर। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ताजुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और मेरे मेहमान मेरे साथ ही हैं। मियाँ साहब तो कहते हैं हम बेगुनाह हैं,
आज जब मैंने स्टेटमेंट पढ़ी कि जी वो पांचवीं बार हमारा एहतसाब हो रहा है, पहले कौन सा एहतसाब? अच्छा बशर साहब, दो बातें बड़ी अहम हैं। एक तो मियां साहब आन और उनके साथियों ने एक नैरेटिव बनाया हुआ है, आजकल मीडिया स्ट्रेटजी उनकी है कि अपने आप को मजलूम साबित करो, हमारा एहतसाब हो रहा है, हमारा एहतसाब हो रहा है। पहली काम तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने अदालत को अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि अदालत हमारी दुश्मन है, इसलिए कि उन्होंने कहा पहला हमारा एहतसाब भुट्टो साहब ने किया, भुट्टो हमारा दुश्मन था। दूसरा एहतसाब बीबी ने किया, वो हमारी दुश्मन थी। तीसरा एहतसाब मुशर्रफ ने किया, वो हमारा दुश्मन था। चौथा एहतसाब मैं तो नहीं कर रहा जी, जीआईटी तो नहीं कर रही, बशीर लुकमान तो नहीं कर रहा, अदालत कर रही है। अदालत को वो अपना दुश्मन डिक्लेयर कर चुके हैं। अब मुंह पे सामने होके कहना है, कह तो चुके हैं, अब वो किस तरह समझा जाएगा, कौन कैसे समझेगा, कुछ भी शक वाली बात तो नहीं। अगर तो अदालत के अलावा कोई एहतसाब कर रहा हो तो और बात। फिर दूसरा, हुक्मरान वक्त कह रहा है दो बातें कि जी हमारा एहतसाब हो रहा है, हमारा एहतसाब हो रहा है, हमारी बड़ी, सिर्फ हमारा ही एहतसाब क्यों हो रहा है? वो भाई आपने लोगों का एहतसाब करना है। आपका एहतसाब इसलिए हो रहा है कि दुनिया में केस उठा जिसमें कहा कि पाकिस्तान के भी कोई 500-600 लोगों के नाम हैं, 500-600 कंपनियां हैं पनामा लीक्स, उसमें एक नाम वज़ीर आज़म साहब के बच्चों का, उनकी फैमिली का, उनके जायदादों का भी जिक्र आ गया। उसके खिलाफ सारे अपोजिशन ने शोर किया कि इसका डिटेल दें। आप गलत बयानियाँ करते रहे, अपने बयानों से मुकरते रहे, आपके बेटों ने कुछ कहा, बेटी ने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, स्पोक्स पर्सन ने कुछ कहा। ये मामला चलते चलते हम तो आपके साथ बैठे कि इस मामले को रिजॉल्व करो, लेजिस्लेशन कर लो, इस पर कमीशन बना दो, आप नहीं माने। इमरान खान साहब आपका केस उठा के चले गए सुप्रीम कोर्ट में, उनके साथ शेख रशीद साहब भी आ गए, जमात इस्लामी भी आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना, दो जजेज ने कहा आप गलतकार हैं, आप बिल्कुल, आपके खिलाफ लोकल स्टैंडाई कोई नहीं बनता, आप बिल्कुल चोर हैं, आपको डी नोटिफाई कर दिया जाए। ऐसा फैसला आज तक मैंने सियासतदान के खिलाफ नहीं सुना। इतने शोर कि स्टेट वे रेफरेंस नहीं भेज रहे सुप्रीम कोर्ट स्पीकर को, वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि डी नोटिफाई हिम एज ए मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। तीन जजेस ने कहा नहीं, ये जो कुछ है तो फजूल गलत है, इसके पीछे को बात तो कोई नहीं है, फर्दर प्रोब कर लें, शायद इनके पास कोई और सबूत हो, दे लें बेनिफिट ऑफ डाउट, वो भी सबूत है तो दे लें। उसमें भी जाके उन्होंने यही कहा, मियां साहब बड़े ने भी और छोटे ने भी, जो हमारे पास था हमने अदालत में भी दे दिया, यहां भी जमा करा दिया, सो नई बात कुछ नहीं है, वही चीज है जिसको अदालत मुस्तरद कर चुकी है। अब बड़ी दिलचस्प बात, हम पे बंदूकें तानी हुई, सिर्फ हमारा एहतसाब हो रहा है। ओ भाई, भुट्टो साहब के दौर में तो आपके खानदान का कोई बंदा किसी यूनियन काउंसिल का काउंसलर भी नहीं था, आपका एहतसाब किस बात का? उस दौर में बेशुमार इंडस्ट्रीज नेशनलाइज हुई, अच्छा हुआ बुरा हुआ उसके ऊपर डिबेट आप कर सकते हैं, लेकिन लार्ज स्केल इंजीनियरिंग की सारी इंडस्ट्री नेशनलाइज हुई और बीको आपसे बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, बहुत ज्यादा मशीन की तारीख अपने ऊपर बता देते, वो भी अपने ऊपर डाल लेते, लेकिन उसके बाद ये फैक्ट्री वो जब वापस हुई 1980 में तो सिर्फ एक फैक्ट्री थी जो एक रुपए में, जस्ट इन रुपीज वन। इसके ऊपर कभी प्रोग्राम रखे, मैं आपको तफसील बताऊं कि उसके बाद क्या हुआ। सवाल ये है कि मियां साहबान आपके खिलाफ कोई एहतसाब नहीं कर रहा, आप इमरान खान आपके खिलाफ केस अदालत में ले गए, अदालत ने पार्शल फैसला दिया, बाकी जीआईटी बना दी और सवालनामा दे दिया, ये सवालनामा भी जीआईटी का अपना नहीं है, अदालत का दिया हुआ है। दूसरी तरफ जवाब में जवाबा गजल के तौर पर मुस्लिम लीग ने हनीफ अब्बासी साहब के जरिए इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को रजू कर लिया, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के बाद उन्होंने भी एक जीआईटी बना दी फिर, और वो जीआईटी इलेक्शन कमीशन है। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का केस आप जरा इन्वेस्टिगेट करें, पहले खान साहब कह रहे थे कि जी आपका हक है नहीं है, ज्यूरिसडिक्शन है नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया करो, और वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने यही बात कही है कि सवाल हम आपको देंगे, वो भी इन्वेस्टिगेट करके सुप्रीम कोर्ट को देंगे। तो ये दोनों का आपस में क्रॉस केस है, इसमें हमारा क्या कसूर है, आप किससे बातें कर रहे हो? और आखिरी गुजारिश ये बड़ी कि भाई 400 कहते जी 400 लोगों के और नाम है, 500 लोगों के होंगे, 600 लोगों के, कमर जमान के, वो बशर लुकमान पे बड़े केसेस होंगे, आपके पास सबूत है? वो भाई आप हुकूमत हो ना, पनामा में है या नहीं है वैसे ही किसी पे इल्जाम है तो आप हुकूमत हो, आपके पास इदारे हैं, FIA है, नैब है, ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उनका एहतसाब कर, आप कर नहीं रहे। और आखिरी बात में बशर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब दोनों जिस वक्त बड़े हुक्मरान हैं हमारे, वो अदालत में जेआईटी में पेश होते हैं, बाहर निकल के कहते हैं इस निजाम को बड़ा खतरा है, हम पे बंदूकें तानी गई हैं, सिस्टम डीरेल हो सकता है, मुल्क खतरे में हो सकता है। नहीं, वो कहते हैं बैरूनी ताकतें हमें हटाने नहीं, सर नहीं नहीं, नहीं नो बैरूनी ताकत, वो कहते हैं कि जो पसे पर्दा पुतलियां चलाई जाती हैं, स्ट्रिंग्स हिलाई जाती हैं, अब पसे पर्दा गेम नहीं होगी, और अगर कुछ होगा तो इससे निजाम को नहीं मुल्क की सालमियत को खतरा है। जिस चीज से मुल्क की सालमियत को खतरा हो और वो वज़ीर-ए-आज़म के इल्म में हो और वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट को न बताए,
और वो कौम की लीडरशिप को ना बताए तो वो तो कौम का मुजरम ठहरेगा जनाब। मियां साहब आप उस जुर्म का शिकार हो रहे हैं। खुदारा एक और जुर्म मत कीजिए। अगर आपके इल्म में है कि जमहूरियत के खिलाफ कोई ऐसी साजिश हो रही है जिससे खुदारा खुदा ना खास्ता मुल्क की सालमियत बकौल वजीर आजम के खतरे में पड़ सकती है, बतौर वजीर आला के खतरे में पड़ सकती है, तो आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू बाउंड बाई योर ओथ, कौम को बताओ, वरना यह भी आप पे जुर्म पड़ेगा। जफर अली शाह साहब आपकी आप जी जी मुराद साहब बशीर साहब ये मियां साहब ने जो जेआईटीसी निकल के निकलने के बाद दो बयान दिए थे, एक ये कि हमारे पास जो कुछ भी था हमने दे दिया, तो इसका मतलब अदालत उसको पहले मुस्तरद कर चुकी है। दूसरा जो इन्होंने सालिमियत के को खतरे की बात की, तो जरा इस सवाल का कोई जवाब देगा कि जब जेआईटीसी निकले तो जो मीटिंग हो रही थी उसमें तो डॉन लीज के जो दो लोगों को इन्होंने निकाला है वो दोनों बैठे हुए थे, वही तारिक फातमी बैठा हुआ था, वो परवेज रशीद बैठा हुआ था, वो सज्जन जंदाल को आप लेके आते हैं बगैर कि मरी में मिलता है, तो कौम को किस चीज से खतरा है? सालमियत को तो इन चीजों से खतरा है। सालमियत को तो खतरा है कि डॉन लिस्टी किरदार आज भी आपके साथ बैठे हुए हैं। सालमियत को तो खतरा है कि जो मरकजी किरदार था और खबर तरतीब देने वाले था उसका नाम आज तक सामने नहीं आया। सालमियत को तो इस चीज से खतरा है कि उस रिपोर्ट को आपने दबा दिया। सालमियत को तो इस चीज का खतरा है कि कलभूषण के ऊपर आपने एक जुमला नहीं बोला और आप उधर लेके गए, तो आपने उसको तस्लीम क्यों किया? आपने जो रिडक्शन को चैलेंज क्यों नहीं किया? और एक और चीज जो पांच दफा एहतिसाब की बात करते हैं मुबशिर साहब, एक अजहर खान केस था उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दूसरी मरतबा जब इनको लगा कि फैसला इनके खिलाफ आ रहे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुए, हमला और हुए। तीसरी दफा इन्होंने क्या किया कि ब्रिक केस लेके जजिस के पास पहुंचे, टेलीफोन कॉल आज भी मौजूद है जो जजिस से इन्होंने बात की। फिर जब इसलदार का कन्फेशनल स्टेटमेंट और मुशर्रफ के दौर में एहतिसाब की बात करते हैं, मुआयदा करके भाग गए, तो इनका तो कभी एहतिसाब हुआ ही नहीं है। आज पहली दफा इनका एहतिसाब हो रहा है, इसलिए तो इनके पास कोई सबूत नहीं है, इनकी चोरी पकड़ी जा रही है। असल कौम को पता चल रहा है कि पाकिस्तान का एक शख्स जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, वो पैरा 125 अगर आप पढ़ ले उसमें कहा है कि एक शख्स को बचाने के लिए पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे तबाह हो गए, नाकाम हो गए। सबको पता है इस बात का, क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो मिनट है। जी शाह साहब। जी जनाब मुबशिर साहब, हुक्म सर करें। मैंने कहा आपने सुन ली कायरा साहब का प्रीएम्बल, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? जी नहीं, मैं अपना जो कायरा साहब की प्रिंसिपली बातें हैं उनसे तो मैं की तायद करता हूं, लेकिन आपने जो ये सवाल उठाया था कि भाई वो कहते हैं कि हमारा पहला भी एहतसाब हुआ और दूसरा तीसरा और चौथा और फिर आज पांचवा, इससे पहले जो चार जिनका जिक्र मियां नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब करते हैं कि वो एहतसाब हुआ है, वो एहतसाब नहीं था, वो विक्टमाइजेशन ज़रूर थी, वो एक शब खून ज़रूर था डेमोक्रेसी पे या एक सिस्टम पे, और उस पर कुछ वो ताकतें भी गैर जमहूरी ताकतें जो हैं वो अंदर दाखिल हो गई, और उनके पास आप कितना अरसा रहे या नहीं रहे ये फिर एक और बड़ी लंबी दास्तान है। अरे वैसे शाह साहब वेरी क्विकली, हालांकि मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मियां नवाज शरीफ कौन से दरवाजे से आए थे? ये मार्शला के दरवाजे से, जिस दरवाजे से जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए थे। शाह साहब एक छोटी सी गुजारिश मैं भी कर लूँ, आप इस पर भी जरा कमेंट फरमाइए। मियाँ साहब के खिलाफ मुशर्रफ दौर में जो केसेस बनाए गए और उनके फैसले हुए उसके बाद ये मुआहदा करके NRO करके चले गए और कहते रहे कि और मक्के मदीने में बैठ के कहते रहे हमारा कोई मुआहदा नहीं है, जहाँ पे हमारा ईमान है झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो और बातें बात छोड़िए वही काफ़ी है। लेकिन उसके बाद जब वापस आए तो उनको 10 साल की टाइम लिमिटेशन कंडीशन दे के वो फैसले खत्म कर दिए गए, कुछ और अंडरस्टैंडिंग करके गए हो तो मैं नहीं कह सकता। NRO में सिर्फ जो है जनरल मुशर्रफ साहब गए हैं और जरदारी साहब आए हैं एक तदार, लेकिन शाह साहब जो मुआहदा मियां साहब जनरल मुशर्रफ से करके गए थे ये NRO वो भी की तो बात है ना, ये आप टू की बात कर, और उस मुआहदे के बाद शाह साहब एक और हुआ, जब मियां साहब वापस आए तो जो अदालतों के फैसले आमराना दौर में इनके खिलाफ हुए थे वो फैसले टाइम लिमिटेशन कंडोन करके दोबारा सुन के फैसले खत्म कर दिए गए, तो वो कौन सी सजा थी जनाब? कमर जमान कायरा, जफर अली शाह साहब और मुराद सईद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैंने ज़रूर कहनी है चलते चलते, और कायरा साहब इस पर भी गौर करिएगा, और वो ये मियां नवाज शरीफ के बकौल ये 60 की दहाई से बहुत ज़्यादा कमाइयाँ कर रहे हैं, अरबों रुपया कमा रहे हैं, वो डूब गया दोबारा से अपना शुरू कर दिया। सियासत करने वाले बंदे के पास कारोबार का वक्त नहीं होता, पता नहीं कारोबार में दौलत बढ़ जाती है, पता नहीं कैसे है उनके पास। लेकिन अब प्रॉब्लम एक और है, आप उन सालों की तहकीक करें जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा
कि हमारी वो है इनकम टैक्स कितना तो दिया। चार सिर्फ फ्लैटों की कहानी है यार, अभी तो जहान पड़ा है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये पहली हुकूमत जो है उसमें देवू से मोटरवे के किकबैक के ऊपर है। मैं कह रहा हूँ आप इत्तेफाक करें कभी, मैं उस पर आपको दास्तान बताता हूँ क्या क्या होता रहा। खोश शुबा दास्तान वेट करिए। कमर ज़मान कायरा साहब को मैं कल पकड़ के रखूंगा, कोशिश करूंगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।